हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में आप देख रहे हैं LG 1.5 टन 4 स्टार रेटिंग ड्यूल इन्वर्टर स्प्लिट AC और उसके साथ में आप देख रहे हैं हमारा एनर्जी मीटर। तो आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं कि इस वीडियो में इस AC की पावर को चेक करने वाले हैं हम कि ये AC कितने वाट के ऊपर चलता है और कितनी पावर कंज्यूम करता है। दोस्तों, आप सब जानते हो कि LG का ये AC बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 6-in-1 कन्वर्टेबल कूलिंग फीचर के साथ आता है, यानी कि इसकी टनेज को 40%, 60%, 80% पे रिड्यूस किया जा सकता है, 100% पे भी चलाया जा सकता है, ऑटो कन्वर्टेबल मोड में भी चलाया जा सकता है जिसको LG वाले AI मोड कहते हैं, और इसको हाइपर कूलिंग पे भी चलाया जा सकता है जिसको LG वाले विराट मोड कहते हैं। तो ऐसे में सभी मोड्स के ऊपर कितनी कितनी पावर ये कंज्यूम करता है ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसको मिनिमम टनेज के ऊपर सेट करके मैक्सिमम वॉटेज चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितने वॉट के ऊपर ये चलता है जब हम इसको 40% पर सेट कर देंगे, यानी कि इसकी टनेज को मिनिमम पे सेट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये AC मैक्सिमम कितनी पावर कंज्यूम करता है कमरे को ठंडा करने के लिए। और दोस्तों, जब डिजायर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा 40% पे ही, तब क्या इसकी पावर कम होगी या ये उसी 40% से ही चलता रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि उनको लगता है कि अगर आप टनेज को कम कर लेते हो या ज़्यादा कर लेते हो तो AC एक नॉन इन्वर्टर AC की तरह काम करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकल इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो अगर हम इसकी टनेज को मिनिमम पे सेट करें तो कितने वॉट ये लेता है मैक्सिमम। और ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलती, इसीलिए कहता हूँ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर आपको मिलती हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो आपको शायद ही किसी और चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस AC की पावर कंजम्पशन टेस्टिंग। AC को ऑन करने से पहले आपको एनर्जी मीटर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा। एनर्जी मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं रीडिंग्स जो हैं वो 00 हैं, और जो इनपुट सप्लाई आ रही है वो 230 वोल्ट पे आ रही है, और जो वॉटेज है वो 00 यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्योंकि ये AC अभी बंद है, बट फिलहाल ये स्टैंड बाई मोड पे है, रिमोट से बंद है। तो आप देख सकते हो ये है इसका रिमोट, यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे, तो पहले इसको ऑन ही कर लेते हैं। तो जब आप AC को ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 24 डिग्री सेल्सियस पे ही ऑन होता है, आपको इंडोर के ऊपर भी 24 दिख जाएगा, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमने इसको टनेज सेट करके चलाना है, तो ये वाला जो बटन है 6-in-1 AC+4 वाला, इसको हम प्रेस करेंगे। तो एक बार जब प्रेस करा तो यहाँ पर AC आया, दोबारा प्रेस किया 80 आया, देन प्रेस किया 60 आया, और फिर से एक बार प्रेस किया तो 40 आ गया यहाँ पे। और आप देख सकते हो फैन स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है, यानी कि आप अपने हिसाब से फैन की स्पीड सेट कर सकते हो। तो चलिए हम इसकी फैन की स्पीड को हाई पे सेट कर लेते हैं। ये देखो आप, फैन की स्पीड को मैंने हाई कर दिया है और 40% पे ये AC सेट है अभी, और इसका जो टेम्परेचर है वो है 24 डिग्री, जो डिजायर टेम्परेचर है वो 24 डिग्री यहाँ पर सेट है, और आप देख सकते हो इंडोर के ऊपर भी आपको दिख रहा है 40% पे ये AC चल रहा है इस टाइम, उस चीज़ का वहाँ पर आपको डिस्प्ले पे दिखाया जा रहा है। और जो रूम का टेम्परेचर है अभी वो है 27 डिग्री, यहाँ पे देखो होम बना हुआ आ जाता है, तो 27 डिग्री जो है वो रूम का टेम्परेचर है, और हमने जो डिज़ायर टेम्परेचर सेट किया है वो है 24 डिग्री। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि स्विंग वगैरह सब कुछ बंद है फिलहाल इस मोड के ऊपर, मैं चाहूँ तो स्विंग ऑन कर सकता हूँ, ये है स्विंग का बटन। तो स्विंग जैसे ही मैं प्रेस करूँगा आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है वो यहाँ पर चलने लगती है, तो ये काफ़ी सारे मोड में चलती है। तो मैं इसको प्रेस करता रहता हूँ और जब आपको ये वाला साइन दिख जाए तब ये ऑटो मोड पर काम करती है स्विंग, ठीक है, और ऐसा ही साइन आपको इस बटन के ऊपर भी मिलता है। और सेम चीज़ वर्टिकल स्विंग के लिए है, ये जो मॉडल है 4-way स्विंग को सपोर्ट करता है, तो इसके अंदर वाले जो स्विंग है वो भी काम करेगी, बट चलिए उसको हम यहाँ पर नहीं ऑन कर रहे हैं फिलहाल, मैंने इसका ये फ्लैप ही ऑन करा है जो मेजरली यूज़ होता है। सो यहाँ पर अब ये 40% के ऊपर AC चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि जब आप टनेज को कम करके AC चलाते हैं तो भी आप
फैन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, स्विंग को कंट्रोल कर सकते हैं और टेम्परेचर को भी यहाँ पर कंट्रोल आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप देखिए ये 24 पे सेट है ना, तो आप चाहें तो इसको 23 कर सकते हैं, 22 कर सकते हैं, 21, ये देखिए आपको डिस्प्ले उस पर भी हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। तो एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि सारे कंट्रोल्स आपके हाथ में रहते हैं, बेशक आप टनेज कम करके एसी को चलाओ या फिर ज़्यादा करके चलाओ। अब देखते हैं पावर कंजम्पशन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ज़रा सा जूम कर देता हूँ इसको, तो हमने ये देखना है कि पावर कितनी कंज्यूम करेगा ये एसी। तो होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि ये एसी 500 वॉट के आसपास ले रहा है और जब इस पे लोड पड़ा तो 230 की सप्लाई थी, अब ये लगभग 229 के आसपास आ गई है और 500 वॉट के हिसाब से ये एसी 2.35 एम्पीयर ले रहा है। तो 40% के ऊपर जब हम इस एसी को चला रहे हैं तो ये लगभग 500 वॉट से काम कर रहा है, क्योंकि इसने डिजायर टेम्परेचर को अचीव करना है इस रूम में, ठीक है। और मैं दोबारा से एक बार आपको रिमोट के दर्शन करा दूं तो ये रूम टेम्परेचर वाला बटन है, तो रूम टेम्परेचर अभी भी 27 ही है और हमने जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो 24 है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब जितने टाइम में ये डिज़ायर टेम्परेचर को अचीव करेगा उतने टाइम ये एसी अपनी मैक्सिमम पावर से ही चलता रहेगा। और मैक्सिमम पावर इसकी हमने कंट्रोल की हुई है क्योंकि इसकी टनेज को हमने कम किया हुआ है, इन सिंपल वर्ड्स की कंप्रेसर की स्पीड को हमने कंट्रोल किया हुआ है। तो मैक्सिमम 40% के ऊपर जब आप एलजी के 1.5 टन एसी को चलाते हो वो 500 वॉट के ऊपर काम करता है। ये 4-स्टार एसी की मैं बात कर रहा हूँ, 5-स्टार में ये चीज़ अलग होगी, 3-स्टार में अलग होगी। तो यहाँ पर एक आइडिया लेने के लिए है कि 500 वॉट मैक्सिमम लेता है एलजी का एसी 40% की वर्किंग पे, ठीक है। तो इसको चलो थोड़ा सा मैं अब जूम वो कर लेता हूँ ताकि एसी भी दिखता रहे, एसी की बेसिकली डिस्प्ले दिखती रहे आपको। सो 40 पे अब एक बात तो क्लियर है कि 500 वॉट से ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो ये इसकी मैक्सिमम पावर कंजम्पशन हो गई। और अब इसका हम डिज़ायर टेम्परेचर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले रूम टेम्परेचर दिखाऊँ आपको, तो देखिए अब रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होने लगा है। सो हम इसका डिज़ायर टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो चलिए अब मैंने इसको 26 पे सेट कर दिया है। 26 पे सेट करने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब इस रूम में 26 मेंटेन कर लेगा ये, तो भी क्या ये 500 वॉट से ही चलता रहेगा या अपनी पावर को कम कर लेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग YouTube के ऊपर ऐसा बोल रहे हैं और काफ़ी सारे लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं कि एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह काम करने लग जाता है एसी जब आप उसकी टनेज को कम करके चलाते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, ये आपको अभी इस मीटर के थ्रू ही पता लग जाएगा। एसी अभी भी 40% के ऊपर ही रनिंग है। तो एक बात तो आप तय मान के चलो कि अगर आपका रूम छोटा है और आप अकेले बैठे हो रूम के अंदर, ज़्यादा हीट सोर्सेज नहीं है, तो आप एसी को 40% पे भी चला सकते हो जिससे कि वो 500 वॉट से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे आपके रूम में ठंडक भी बनी रहेगी और पावर का भी सेविंग होता रहेगा। और अब देखते हैं कि ये कितना टाइम लेगा, क्योंकि अगर इसकी पावर कम हुई है, बेसिकली कंप्रेसर की स्पीड अगर हमने कंट्रोल की हुई है, तो कूलिंग करने की क्षमता भी ऑटोमेटिकली कम ही हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि एसी ने टेम्परेचर को अचीव कर लिया है जिसका यहाँ पर हमें पता लग रहा है एनर्जी मीटर के ऊपर। आप देख सकते हैं जो अब स्पीड है वो ग्रेजुअली कम होती हुई चली जा रही है। ये एसी 500 वॉट के आसपास चल रहा था, वो अब 425 वॉट पे आ चुका है और ये स्पीड ग्रेजुअली कम ही करता रहेगा जब इस रूम में टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं उस चीज को कि जो वॉटेज है वो और कम हो गई है, 390 के आसपास आ गई है, 380 की लाइन में चल रही है। तो यहाँ पर ये चीज प्रैक्टिकल प्रूव हो रही है कि एक इन्वर्टर एसी ही रहता है, बेशक आप उसकी टनेज को कम करके चलाओ या फिर ज्यादा करके चलाओ या फिर उसको ऑटो मोड पे चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ, इन्वर्टर एसी अपनी वर्किंग वैसी ही रखता है जैसी उसकी है, वो कभी भी एक नॉन इन्वर्टर एसी की तरह परफॉर्म नहीं करता।
तो अगर आपको कोई ऐसा बोल रहा है तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आप समझ सकते हैं कि वो आपको घुमा रहा है बातों में। तो आप देख सकते हैं जो 500 वॉट ले रहा था एसी, वो अब लगभग 330 वॉट के ऊपर चल रहा है, और इस रूम में 26 डिग्री मेंटेन करने के लिए जितनी वॉटेज पे इसको चलना पड़ेगा ये उतनी वॉटेज पे ही चलता रहेगा। आप देख सकते हैं 330 से अब ये और कम आ गया है, और लगभग 290 के आसपास इसकी वॉटेज आ गई है। अंपेयर पे भी आप ध्यान दीजिए, अंपेयर यहाँ पर 1.70 हो गए हैं, 1.69 आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी आप देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 40% पे ही इतने कम वॉटेज लेगा। ये आप बेशक इसको ऑटो मोड पे चलाओ या फिर 100% मोड पे चलाओ, जब आपके रूम में टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो ये अपनी वॉटेज को कम करता ही करता है। अब वो बेशक 200 वॉट पे ही क्यों ना आ जाए, मतलब कि रूम में टेम्परेचर को मेंटेन बनाए रखने के लिए जितनी वॉटेज पे उसको चलना पड़ेगा वो चलेगा। और यही एक वर्किंग होती है इन्वर्टर एसी की, क्योंकि उसके जो कंप्रेसर्स होते हैं वो वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर काम करने के लिए बने हैं। तो आप देख सकते हैं जो एसी 500 वॉट पे चल रहा था बिल्कुल आधी वॉटेज हो गई है, आधी से भी कम हो गई है, 245 वॉट ले रहा है ये इस टाइम। और इनपुट सप्लाई आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम चल रही है, 229 के आसपास, और 1.48 एम्पीयर चल रहे हैं, डेढ़ एम्पीयर से भी कम ले रही है ये मशीन। तो आप देख सकते हैं 250 वॉट कुछ भी नहीं होता दोस्तों, क्योंकि एसी की जो वॉटेज है वो आप सब जानते हैं 1500 वॉट तक चलते हैं। तो आप देख सकते हैं अब बिल्कुल ही जो वॉटेज है वो ड्रॉप हो गई है, क्योंकि रूम के अंदर टेम्परेचर हो चुका है 26, या फिर हो सकता है कि उससे भी 1 डिग्री ज्यादा हो गया हो, जिसकी वजह से अब इसने कंप्रेसर को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है। अब सिर्फ आउटडोर यूनिट का फैन चल रहा है और इंडोर यूनिट का फैन चल रहा है, और ये स्विंग मोटर चल रही है जिसकी वॉटेज आप देख सकते हो 73, और अब आप देख सकते हो 40 और उससे भी कम हो गई है दोस्तों। अब आउटडोर का भी फैन बंद हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ इंडोर यूनिट का फैन यहां पर चल रहा है, और उसकी वॉटेज आप देख रहे हो 30 वॉट पे ये इंडोर चलता हुआ। तो आप देख सकते हो 40% पे भी अगर आप एसी को चलाते हो तो भी आप काफी ज्यादा पावर सेविंग कर सकते हो और रूम के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हो। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा दूं, अभी भी ये 40% पे ही चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही अब इस एसी के सेंसर सेंस करेंगे कि इस रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, या फिर कंप्रेसर अपनी स्पीड को बढ़ा लेगा जिससे फिर से कूलिंग आने लगेगी रूम के अंदर 26 डिग्री जो हमने सेट किया हुआ है उस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए। सो इस वीडियो में आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी इस वीडियो के थ्रू। सबसे पहली कि 40% के ऊपर मैक्सिमम 500 वॉट लेता है एलजी का ये एसी। दूसरी चीज़ कि इन्वर्टर एसी ही रहता है, वो कभी नॉन इन्वर्टर एसी की तरह परफॉर्म नहीं करता। तीसरी चीज 40% पे 60-80 कोई भी मोड पे आप एसी को चला लो फिर भी आपको सारे जो कंट्रोल्स हैं वो आपके हाथ में ही रहते हैं। आप फैन की स्पीड को कम ज़्यादा करना चाहते हो, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना चाहते हो, स्विंग वगैरह, मतलब सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको होप सो अच्छी ज़रूर लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको 60% और 80% पे चेक करेंगे कि उन मोड्स के ऊपर ये कितनी मैक्सिमम पावर कंज्यूम करता है। तो डिटेल से वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपको बारीक से बारीक जानकारी मिल सके। अगर आप भी एक अच्छा एसी अपने लिए खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा बेस्ट एसीज के, आप उनमें से कोई भी एक पिक कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।